राहुल गांधी के मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसमें राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दोष सिद्धि पर रोक लगाने के लिए की थी। ऐसे में उन्हें जीत मिली है और इस तरह अब उनकी संसद की सदस्यता भी बहाल हो सकेगी और वो अपना चुनाव भी लड़ पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतिम फैसला आने तक यह रोक लगाई है और जो जजों की पीठ ने कहा है कि राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रायल जज को अधिकतम सजा देने का कारण तो कम से कम बताना चाहिए था। कोई स्पष्ट कारण ना होने की वजह से उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई जाती है। और पीठ ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि वे भाषण देते समय सावधानी बरतें। इसके आगे पीठ ने उन पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मूल मामला ये है कि सन 2019 में कर्नाटक में राहुल गांधी ने चुनावी सभा में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। उनकी इस टिप्पणी पर गुजरात के पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दायर कर दिया था और फिर सूरत कोर्ट में राहुल गांधी को दोषी ठहराकर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज नहीं तो कल सच्चाई की जीत होती। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और साथ दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।